दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज आपको हम 2023 5 एम्पीयर और आपका 12012 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर का डाटा बताएंगे, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। जलालुद्दीन जालू ने हमसे पूछा है कि 2023 और 12012 का ट्रांसफार्मर का डाटा चाहिए, तो दोस्तों ये डाटा उनके लिए मैंने तैयार की है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आपको कोई भी डाटा का चाहिए, ट्रांसफार्मर का कोई डाटा चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको मैं डाटा दे दूंगा, मैं आपको डाटा दे दूंगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं डाटा के ऊपर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्ताईस और ये 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर का डाटा रहेगा, और इसमें एक और आपका सप्लाई आउटपुट रहेगा 12012, ये आपका 2 एम्पीयर में आउटपुट मिल जाएगा। ये आपको 5 एम्पीयर में मिलेगा, ये आपका 2 एम्पीयर मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइमरी की तरफ, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में 230 वोल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लिपटेंगे 575 टर्न्स, ठीक है दोस्तों। और इसमें वायर जो रहेगा आपका 25 SWG रहेगा, यानी कि 25 नंबर का आपका वायर रहेगा। और दोस्तों इसमें वायर आपका जो लग जाएगा वो आपका लग जाएगा 200 ग्राम, इसमें आपका जो वायर लगेगा इसमें 200 ग्राम आपका वायर लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों सेकेंडरी की तरफ, आप देख सकते हैं सेकेंडरी की आउटपुट है जो कि ये 27 वोल्ट के लिए है और यहाँ पे 27 वोल्ट के लिए है। दोस्तों 27 वोल्ट के लिए यहाँ पे आपको 68 टर्न्स लपेटने होंगे, और जो ये दोस्तों ये वायर रहेगा ये रहेगा आपका 20 नंबर के वायर, यानी कि 20 SWG वायर रहेगा। और आपका 27027 वोल्ट के लिए यहाँ पे भी सेम आपका टर्न्स रहेंगे, 68 टर्न्स रहेगा और 20 SWG वायर रहेंगे। दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा इसको बाइफिलर वाइंडिंग करने के लिए। बाइफिलर वाइंडिंग दोस्तों इस तरह किया जाता है, दो यहाँ पे बाइफिलर वाइंडिंग होता है, ये इस तरह बाइफिलर वाइंडिंग करते हैं, एक वाइंडिंग कर दिए सेम उसमें दो वाइंडिंग एक साथ में रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर, यहाँ पे दो वाइंडिंग एक साथ में करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया एंडिंग, ये हो गया एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग एक साथ में जोड़ देंगे और यहाँ पे निकाल देंगे, इसको कहते हैं बाइफिलर वाइंडिंग, देख सकते हैं। तो इस तरह वाइंडिंग करना है आपको, तब आपको दो तार मिला के आपको 5 एम्पीयर आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 12012 यहाँ पे आपका जो है कि 2 एम्पीयर लेना है, तो यहाँ 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे हम लोग 36 टर्न लिपटेंगे और यहाँ पे वायर 24 SWG रहेगा। सेम आपका ये बाइफिलर वाइंडिंग कर रहा है जिसने मैं आपको बताया था उस तरह करना है। 12012 जीरो वोल्ट के लिए 0 टर्न रहेगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 वोल्ट के लिए 36 टर्न रहेंगे और 24 SWG वायर लेना है। दोस्तों इसकी आउटपुट आपको मिल जाएगी 2 एम्पीयर, देख सकते हैं यहाँ पे 2 एम्पीयर मिल जाएगी, इसकी आउटपुट आपको जो है 5 एम्पीयर मिल जाएगी, 5 एम्पीयर यहाँ मिल जाएगी आपको, ये आपका चला जाएगा ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट में, ठीक है ये आपका चला जाएगा USB प्री एम्पलीफायर सर्किट में, ठीक है प्री एम्पलीफायर सर्किट में यहाँ पे चला जाएगा। दोस्तों ये आप यूज कर सकते हैं ऑडियो एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर। और दोस्तों इसमें कोर जो रहेगा देख सकते हैं, इसमें कोर जो रहेगा 3 नंबर का रहेगा और जिसकी साइज जो रहेगी वो 2 इंच में रहेगा, ठीक है दोस्तों। 3 इंच की जो लिम्ब होती है, लिम्ब दोस्तों किसको कहते हैं, जो सेंटर की जो पॉइंट होती है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर की जो बीच की सेंटर जो होती है इसको हम लोग लिम्ब कहते हैं। तो ये लिम्ब इसकी 1.25 होती है ट्रांसफार्मर की जो सेंटर की पॉइंट जो होती है
वो होता है आपका 1.25, ठीक है। और हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी जो साइज है 2 से, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 यहाँ पे आपका स्क्वायर इंच कोर एरिया आ जाएगा, कोर एरिया ये 7.5 से आप कर देंगे, 7.5 डीबी भी निकालने का फॉर्मूला है, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे जो है 2.5, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, तो 3 आपका आ जाएगा टीपीबी। दोस्तों यही टीपीबी से आप वोल्टेज के हिसाब से इसकी आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे जो टर्न्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसी से आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर सकते हैं और ये आप 5 एम्पीयर में आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों डेटा के बारे में आपको और जानकारी लेनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के उसका मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।